आया मेरा फ्रेंड की जर्सी देना। देखो शाम होने आई। Welcome to our channel. I am Sukriti. I am Anukriti. So we are back with our new video. और आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा interesting सा video करने वाले हैं, जो कि होने वाला है 50 rupees challenge. मतलब कि आज पूरा ही दिन हम बिताने वाले हैं 50 rupees के food पे. मतलब जो भी खाएंगे वो सब कुछ 50 rupees का होगा. 50 rupees का होगा या फिर 50 rupees से कम का होगा. So चलिए चलते हैं दुनिया में और देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है 50 rupees के अंदर. थोड़ा पैसे की कीमत पता करते आते हैं. हाँ वैसे आजकल जो इतनी महंगाई बढ़ गई है 50 रुपए में बहुत अच्छी चीजें मिलती है कि 50 रुपीज से भी ऐसा अमाउंट है काफी कुछ मिल सकता है. सो वी आर हैविंग क्वाइट हाई होप्स आज की. आज तो हमारा बहुत ज्यादा अच्छा दिन होने वाला है. हम दोनों ने येलो पहना है, मैचिंग किया है. वी होप कि हमारा दिन का शुरुआत तो कम से कम अच्छा हो. वैसे एंड भी हम लोग अच्छा कर ही ले. सो अगर आपको लगता है कि हम लोग का दिन आज सक्सेसफुल बीतेगा और हम लोग कामयाब रहेंगे 50 रुपीज के अंडर खाने में, तो आप लोगों को कमेंट करना है #LifeShotsWillBeSuccessful. देखते हैं कि आपको हम पे कितना विश्वास है. हाँ हम लोग कर ही लेंगे. तो चलो ब्रेकफास्ट का टाइम में चलते हैं और कुछ फटाफट खाते हैं. गाइस देखो हम लोग को सुबह निकलते दीदी सबसे पहले जो जगह दिखाई दिया हम लोग वहाँ पे रुक गए और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं दही पूरी. दही पूरी जो कि है 45. जी हाँ हमारे स्कूल के टाइम में तो बड़ा सस्ता मिलता था ना. उस टाइम बहुत खाते भी थे ना. हाँ और मेरे ख्याल से पता है कि अगर टाइम के हिसाब से देखो तो इतना ज्यादा रेट नहीं बढ़ा. नहीं है ना. टेस्ट करके देखते हैं कैसा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है ये देखते हैं. सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में दही पूरी. हाँ अच्छा लग रहा है. वैसे ब्रेकफास्ट अच्छा है. तो पहले दही पूरी खाएं. वाह वाह प्यार देखो प्यार. जी हाँ मैं खा के बताती हूँ कैसा है. हाउ इज इट. काफ़ी अच्छा लग रहा है. वैसे भैया ने बहुत सारा चीज़ ज़्यादा हरा चटनी दाल चटनी दही पुदीना सेव खाना खा के बताती हूँ. आलू भी है मुझे खाना है. I'm taking one from Anukriti का plate because मैंने उसे अपने plate से खिलाया था. बहुत सेव डाला हुआ है इसमें. उन्होंने ये ब्रेकफास्ट खाने के लिए रुके थे. अभी लंच हम थोड़ा जल्दी करें क्योंकि खाने के बाद चाट भूख जल्दी लग जाएगी. हाँ और हमें पता कितने मिनट के बाद खा रहे हैं ऐसा कुछ पानी पूरी वाला. पानी पूरी वाला लिटरली हमने ये जो पूरी है ना ये हमने लाइक लिटरली पूरे कोरोना टाइम में हमने एक बार भी हमने स्ट्रीट पे जाके पानी पूरी नहीं खाया. नहीं खाया बहुत दिन के बाद खा रहे हैं. मुझे बहुत मजा आ रहा है. मुझे भी मुझे इस चीज से बहुत पसंद है क्योंकि कम खाती हूं. हां अनुकृति वाज क्रेविंग दीस काइंड ऑफ थिंग्स. सो गाइस सबसे पहले हम लोग आ गए हैं यहां पे फ्रैंकी लेने के लिए. तो सुकृति क्या देख रही है. क्या ले रही है सुकृति. मैं ले रही हूँ सेज़वान या फिर चटपटा वेज 50 रुपीज़ का है. हमारे पास 50 रुपीज़ में काफ़ी ऑप्शन है. और अनुकृति लेगी जंगली वेज. जा आउट ऑफ बजट. चटपटा वेज लेते हैं ना. चटपटा वेज शेज़वान वेज एक चटपटा वेज. हाँ ठीक है. हाँ तो हम दोनों ये फ्रैंकी ले रहे हैं. चलो चिकी दीदी आ गई. थोड़ी देर हमें करना होगा इंतज़ार उसके बाद हमारा खाना हो जाएगा तैयार. वाह 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 वाह. आप लोग कमेंट कीजिए हैशटैग शायर शायरा. सो गाइज मेरा फ्रैंकी आ गया. सुकृति वेट कर रही है अपने फ्रैंकी का. जी हाँ दोस्तों मेरा फ्रैंकी आ चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है. ओह माय गॉड आई कांट वेट टू ईट. सुकृति को अपने फ्रैंकी का इंतज़ार करना पड़ेगा. चलो मैं खाती हूँ. मेरे फ्रैंकी में लगेगा अभी टाइम. क्या अभी वक्त लगेगा. क्यों पता नहीं. ओके चलो तब तक हम ये खाते हैं. तो गाइस जब तक सुकृति का फ्रैंकी आ रहा है तब तक हम ये खाते हैं. और ये है कौन सा वाला है. ये है शेज़वान. शेज़वान फ्रैंकी. मेरा नहीं आया अभी. मुझे पता नहीं हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है. ऐसा कुछ नहीं है. हाउ इज इट. नाइस काफ़ी यम्मी है. बहुत स्पाइसी. आया मेरा फ्रैंकी जल्दी देना. चलो आ गया सुकृति का. इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं. मेरे में सॉस ज़्यादा था और इसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा है. मैंने हाँ वो हाँ बहुत स्पाइसी था. मेरे को तो टेस्ट करवाया यार.
खाली सब्जी खा रहे अपना अच्छा लगा था मुझे तो मेरा ज्यादा अच्छा लगा नहीं ये बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स आ रहा है खाली सब्जी भरा हुआ इतना सो गाइस सुकृति तो खाती रह गई अपना फ्रैंकी हम लोग चलते हैं वैसे काफी ज्यादा वैरायटी है फ्रैंकी की 50 रुपीस में भी अच्छा था ना 250 रुपए का 300 रुपीस का भी फ्रैंकी मिल गई सस्ता वाला हाँ सस्ता वाला ये बजट आज बजट इतना ही है हमारा मैं कन्फ्यूजन में बोल रहा हूँ मुझे सच में लग रहा है खाली सब्जी हाँ सच में मेरे में स्पाइसी था थोड़ा गाइज बिफोर मूविंग फर्दर विद द वीडियो आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्लेयर स्पॉट ऐप के बारे में जिसमें कि आप जीत सकते हैं आराम से लाखों के इनाम दिस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में इसमें लोएस्ट एंट्री फीस है और ये 100% सिक्योर ऐप है और साथ ही आपको मिलेगा बैंक और पेटीएम पे इंस्टेंट विदड्रॉल डेट टू विदाउट KYC और यहाँ 3 मिलियन प्लस प्लेयर्स है और आपको मिलता है 1 करोड़ तक जीतने का मौका और ये टेस्ट सीजन तो भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदना भी खेल रहे हैं ऑन प्लेयर स्पॉट अपने फेवरेट टीम के साथ और ये दोनों तो प्लेयर स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर भी है तो मैं तो जा रही हूँ उनका हाईएस्ट स्कोर बीट करने आप भी ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से और अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से साइन अप करते हो तो आपको मिलता है ₹50 का साइन अप बोनस जिसे कि आप यूज कर सकते हो प्लेयर स्पॉट पे लीग खेलने के लिए स्पोर्ट्स के साथ साथ प्लेयर स्पॉट पे और भी बहुत सारे गेम है जैसे कि शीप फाइट लूडो स्नेक्स एंड लैडर हाउसियन क्विज जिसे खेल के आप जीत सकते हैं बहुत ही इजिली लाखों के इनाम तो देर किस बात की नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करते हैं प्लेयर स्पॉट और बनते हैं मैन ऑफ द सीरीज ओनली ऑन प्लेयर स्पॉट अब हो गया है शाम का वक्त और हम लोग निकले हैं हमारे स्नैक्स के तलाश में देखो शाम होने आई और ये स्वीकृति क्या कर रही है ये आ गई है नारियल पानी के पास ऐसे डालते हैं ना फोटो इंस्टाग्राम पे ऐसे खींच के में मीठा आया और कितने का है वैसे उनके पास दो वैरायटी था एक 40 का एक 50 का ऐसा बोल रहे थे कि इसमें ज़्यादा पानी है ज़्यादा पानी अच्छा है वैसे जब सीज़न होता है ना तो वैसे काफ़ी सस्ता मिलता है इससे तो हम फिनिश करते हैं अपने नारियल पानी और आपको मिलते हैं डिनर के टाइम पे हम लोग आ चुके हैं हमारे डिनर लोकेशन पे सो लेट्स गो सो गाइस हम लोग आ गए हैं मैगी के अंदर और अनुकृति गई है ऑर्डर करने के लिए आई एम वेटिंग हियर देखते हैं क्या होता है वैसे हमारा आज का पूरा दिन काफ़ी अच्छा ही रहा लास्ट एंडिंग विथ बर्गर तो हम दोनों जो है वो सिंपल वाला बर्गर लेने वाले हैं जो यहाँ का मैकालूपी की आता है वो भी जो कि अराउंड आता है 45 या 49 रुपीज़ के अराउंड मीन्स ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ होता है बट 50 रुपीज़ से थोड़ा 1-2 रुपये कम होता है एंड अनुकृति इज स्टैंडिंग इन अ लाइन शी इज इन क्यू वेटिंग फॉर बैठ के देखो अनुकृति क्या लेके आ गई इतना बर्गर हाँ And this smoking hot. This smoking simple hot. Okay. Okay, it is having olives also. Olives. Pickles. Okay, pickles. ये Mexican macaroni. ये Mexican macaroni और ये है 49. 49 मैंने बोला था 49 के देखा मुझे याद है. हाँ. So guys, सुकृति खा रही है अपना first bite burger का. Nice. और मैंने नहीं खाया अभी तक. और ये रहा मेरा फर्स्ट बाइट सो गाइस हम अपना बर्गर खा लेते हैं उसके बाद होगा तो हम डिनर खाने जाने वाले हैं अभी नहीं ना अभी हम घर जाएंगे उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें होगा तो नाइट ड्राइव ले लेंगे और फिर कुछ डेजर्ट जरूर खाएंगे वो भी अंडर 50 क्योंकि हमें ये जगह पता है जहाँ पे 50 का मिलता है बहुत अच्छा डेजर्ट ओके तो चलो हम लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं फिर हम लोग घर जाएंगे हमें कुछ काम करना है वो फिनिश करेंगे उसके बाद विल गो ऑन नाइट ड्राइव एंड हैव आवर डेजर्ट डेजर्ट टाइम और हम खाने आए हैं बादाम शेक और ये एक है 50 रुपीज का 50 रुपीज का एक वैसे काफी क्वांटिटी है ये काफी फिलिंग है टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है मीन्स हम लोग ये काफी टाइम बाद काफी टाइम बाद खा रहे हैं 1.5 साल बाद हम लोग जी मतलब की जो ये जब से ये कोरोना आया है उसके बाद हम शायद पहली बार उसके भी पहले से लाइक 2019 के नहीं नहीं पहले तो खाती थी रेगुलर उसके बाद से मतलब टाइम हो गया हां काफी टाइम हो गया 2 महीना हो गया इस ईयर का भी फॉरगेटिंग 2021 इज नॉट दैट न्यू हां हम लोग भूल गए थे अभी
ठीक है तो ये खाते शुरू भी हो गई. इट इज वेरी थिक, मेरे मुंह में कुछ नहीं है. तो वहां से लिया है हमने प्रेम मेवाड़ का बादाम शेक. दिखाइए जरा कैसा है. मैंने बहुत मेहनत की और बहुत ही थोड़ा सा आया. हाँ कैसा है. मतलब ये मेनली पूरा बादाम का शेक है, मतलब आलमंड शेक है और ऊपर से आइसक्रीम. बहुत सारे वैरायटी ऑफ आइसक्रीम से लाइक ये पिस्ता आइसक्रीम है, ये वेनिला आइसक्रीम है, ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है और नीचे भी एक होता है. हाँ. अंदर भी एक आइसक्रीम है. वैसे ये बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है. अब मैं भी खाऊंगी अपना ये. इट्स वेरी थिक यार, लुक एट दिस, इट इज वेरी थिक. सच में गाइस ये बहुत ज्यादा यमी लग रहा है. मतलब बिल्कुल रबड़ी जैसा लग रहा है ये. सच में नहीं, मतलब पूरा घास भर के रबड़ी खा रहे हो. Like, literally, ये बहुत फीलिंग है. इसके बाद हम लोग तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं खाएंगे. तो आई गेस ये आज का हमारा दिन फिनिश होता है. हाँ, बहुत अच्छा रहा आज का पूरा ही दिन. आप भी हमें कमेंट के जरूर बताइए कि आपको क्या लगा कि आज का हमारे पूरे दिन में सबसे फेवरेट मील कौन सा था आपका. आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट कीजिए #. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किया बिना बिल्कुल भी मत जाना, बिल्कुल भी मत भूलना. मीन्स ये तो इम्पॉसिबल सा चीज है और बहुत गलत बात है. इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना. यहाँ पे आईडीज आपको दिखाई दे रही होंगी. तो हम लोग अब मिलेंगे आज के नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. नमस्ते. नमस्ते. चीयर्स.